मॉर्निंग फ्रेंड्स, जाने का टाइम आ गया। तो आज हमारा चेकआउट डे है, तो सोचा सुबह सुबह नाश्ता करना है। मूड नहीं है कि रेस्टोरेंट में जाके करें, मूड नहीं है कि कमरे में बुला के करें, बिकॉज बिकम्स टू मच कि पैकिंग करनी है, सारा सामान बिखरा हुआ है, तो कैसे करें। तो वही अपना देसी जुगाड़ दिखाऊं कैसे। कल रात मैंने अपने लिए एक आलू का पराठा पैक कराया था, तो सुबह सुबह यहाँ माइक्रोवेव तो अवेलेबल नहीं है, ना ही कुछ और है, बस अपना आयरनिंग बोर्ड अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, उसको उठाया, इसके ऊपर रखा, कॉफ़ी के लिए कैटल है, कॉफ़ी का सब कुछ सामान अवेलेबल है, तो कॉफ़ी बनाई। मिल्क ऐसे मिलता है, छोटा छोटा पास्चराइज मिल्क है टोटली, और जितना मर्जी यूज़ कीजिए, इट्स अवेलेबल। सीधा सीधे जाना है, बंदा लेफ्ट वाली लाइन में सीधा चल जाओ। हाय गाइस, अब हम ऑन द वे रूट ऑन द रूट टू होम। तो लोग क्या करते हैं, बिगनिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो हम एंड में इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। मैं हूँ लेजी और ये है बगर्स। वेलकम टू आवर चैनल लेजी बगर्स। हम इस समय वेलिंगटन के डाउन और वेलिंगटन सिटी सेंट्रल में हैं, एंड अब हमें स्टेट हाईवे 1 पकड़ना है वापस घर जाने के लिए। पकड़ना इन द सेंस कि स्टेट हाईवे 1 को हमने लेना है मुड़ने के लिए। अच्छा सा ट्रिप, काफ़ी मज़ा आया। बहुत लेजी ट्रिप था हमारा इस बारी, हमने कोई ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ नहीं करी क्योंकि वी वॉन्टेड टू रिकवर। जब न्यू जॉब पे हमने चेंज करा और जब से वापस आए घर पे हैमिल्टन साइड, घर वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स का वहीं है और मेरी अपब्रिंगिंग वहीं की है, हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए। और जब से कोरोना हुआ तब से तो इट्स लाइक कि वाट लाग ले ली। ये यहाँ का फूड स्टोर है, 24 आवर्स चलता है। अगर छोटा मोटा पाइज वगैरह खाने का मूड हो, एक ही ग्रेट इंडिया रेस्टोरेंट भी है इसके साथ में ही, जहाँ बस खड़ी है उसके एकदम पीछे। अगर कभी आने का मूड हो तो यहाँ पर आके आप लंच करो, डिनर करो, काफ़ी टेस्टी है ये रेस्टोरेंट, काफ़ी टेस्टी। ये 1-way lanes हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन से तो आएगा नहीं यहाँ पे। काफ़ी काफ़ी बड़ा फाइन है और दोनों साइड पे पार्किंग भी आपको इसी डायरेक्शन में करनी है, यानी कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। बिप्सो, मेरा तो ये फोर्थ ट्रिप था वेलिंगटन का, तुम्हें कैसा फील हुआ? फर्स्ट ट्रिप था तुम्हारा ये अच्छा कैपिटल था, सिटी में? अच्छा था, फन था, इंटरेस्टिंग था, नई चीज देखने को मिली। को दोबारा रेकमेंड करेंगे? 5/5 रेटिंग। 5 out of 5। और क्या थी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा पसंद आई यहाँ पे? यहाँ का हार्बर ओपन ओके, हार्बर है, लॉन्ग ट्रैक है। ऑकलैंड का नहीं है लगा से? ऑकलैंड इज अ डिफरेंट प्लेस, दिस इज डिफरेंट प्लेस, बोथ आर डिफरेंट बट बोथ आर गुड। ओके ओके। कितने अच्छे बच्चे हैं ये लोग, इनकी गाड़ी नहीं आ रही है तो क्रॉस कर ले, नहीं ये वेट करेंगे सिग्नल का। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं साइड में, कभी मेरा भी मन हुआ करता था मैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम करूं, बट अब नहीं, अब थोड़ा डर लगता है, जैसे अर्थक्वेक हो जाता है, सुनामी वार्निंग्स आ जाती हैं, कौन इतना ले। सुबह सुबह लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे जाने को तैयार खड़े हैं। सामने अपार्टमेंट्स है रहने के लिए, वाह वाह, बालकनीज अच्छी हैं उनकी, कांच की एकदम। सब हम हाईवे पे आ गए हैं, 100 के स्पीड जोन में हैं, और बाय बाय वेलिंगटन, नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन हैव फन, ये मैं अपने आप को कह रही हूँ।
वेलिंगटन जो है पूरा हिली है और ये ऐसे ही बसा हुआ है पहाड़ पे, जैसे अपने हिल स्टेशन है इंडिया के। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे कितने भी मकान बने हुए ऊपर तक, कुछ भी हो, टूरिज्म प्लेस है या कुछ भी है, कैपिटल है, ग्रीनरी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। और उसका रीज़न एक ये भी है कि वो जो है ना पेड़ रूट्स, दे कीप द सॉइल इंटैक्ट, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। बस अब हम दो रास्ते जा रहे हैं सामने से, एक तो है स्टेट हाईवे 1 जो हमारे घर की तरफ जाएगा अप नॉर्थ तक, पूरा 1 साउथ नॉर्थ सब जगह जाता है। दूसरा है मास्टरटन, वो हम लोग आज नहीं जाएंगे, फिर कभी जाएंगे। ये ट्रेन गई यहाँ की, पैसेंजर ट्रेन छोटी सी, नो नहीं हाँ ठीक है कोई नहीं। वो कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है ना, बारिश हो रही है, बस एक चीज की कमी है, एक गरम चाय की प्याली हो, साथ में समोसे हो। घरवाली तो साथ में चली रही है, नो ओपिनियंस, आई एम ऑलवेज राइट। अब हम आ गए हैं पैरामाटा में, हमने एक छोटा सा डिटूर लिया था बट थोड़ा लंबा पड़ गया डिटूर हम लोगों को, हम भी लॉस्ट द वे और गोल गोल घूमते रह गए हम जीपीएस के कारण। कोई नहीं, वी आर ऑन द ट्रैक नाउ, नो इश्यूज। ये भी तो एक आ हुई कबा, सब लोग रुक गए 100 की स्पीड पे, लेंस मर्ज हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड बट इतना ज्यादा। चलो लेट्स सी, आगे काफी लंबी लाइन लगी रे, काफी लंबी है। सब लोग 4 दिन की छुट्टियां मनाने के बाद वापस जा रहे हैं अपने अपने अबोर्ड या फिर दूसरी जगह जा रहे होंगे छुट्टियां मनाने, तो काफी लंबा बैकलॉग लगा हुआ है हाईवे के ऊपर, जो कि नॉर्मल नहीं है बट क्या करें। अभी ऑलरेडी हम लोग इतना लेट चल रहे हैं, यू नो इट्स स्टिल 465 किलोमीटर, 500 प्लस से हम आगे निकल के आए हैं। 6:33 PM, हाउ इज दिस गोना हेल्प। हाँ वेल इन दैट केस एक और डेस्टिनेशन हम बीच में रखेंगे। बेबसो आज आपका क्या विचार है मुझे हेलीकॉप्टर राइड कराने का? मौसम खराब है आज, हेलीकॉप्टर राइड हम इसी खराब मौसम में एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हो? नहीं ये हो नहीं सकता है। सो लेट्स सी टाउपो में हम नेक्स्ट ब्रेक लेंगे तो कैसा वेदर होता है वहाँ पे, कैसा नहीं। अभी तक तो बहुत बुरा वेदर है। अकॉर्डिंग टू माई डार्लिंग हस्बैंड हमारी गाड़ी धुल गई, बट अकॉर्डिंग टू मी नहीं। ये जब गाड़ी धुल के आती है ना अच्छे से, एकदम ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नीचे स्लाइड हो जाती है, ऐसे रुकी नहीं रहती, जैसे ऊपर से ये स्लाइड होती जा रही है ना वैसे पूरी की पूरी हो जाती है उस पर पॉलिश होने के बाद। जाम में बैठे बैठे हमारे 2 किलोमीटर तो कम हो गए, लेकिन टाइम हमारा 20 मिनट्स ऊपर हो गया। लास्ट टाइम जब हमने देखा था उसमें 6:33 था, 6:54 हो गया। ठीक है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है ट्रैफिक जाम अभी, कंपैरेटिवली हम ज़्यादा वैसे नहीं चले हैं, आगे भी है काफ़ी सारा है। ये ट्रैवल मग हमने लिया है कॉफी के लिए।
तभी कहा था ये बगर है, ये पति अच्छी खासी लड़ाई कर ली मेरे से अभी से। कोई भी ट्रिप ऐसा नहीं होता जिसमें लड़ाई ना करे ये बंदा। कौन कहेगा इस मौसम को देख के कि हम समर्स में हैं। वैसे बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है घर में देखना अभी 18 डिग्री टेम्परेचर है बाहर वैसे फिलहाल, बट ये समर्स चल रही है पर लग नहीं रहे समर्स है, विंटर्स लग रही है पूरी की पूरी। बादल देखो सामने और यहाँ हर फार्म पे मोस्टली शीप है। Like, look at it. So many sheep. All these white ones. उधर भी बहुत सारी है। ऊपर पहाड़ों पे भी उधर चढ़ी हुई है वो। शॉर्ट ब्रेक लेंगे तो सोचा कि लेक टापू से बेटर कहाँ पर लिया जाए, टापू इज अ गुड सिटी। मुझे लगा पहले कि ये सेल बोट्स पे लोग सेल कर रहे हैं बट नो इट्स एक्चुअली स्टैंडिंग बिकॉज अभी रेन हो रही है। यहाँ पर एक है होल इन द गोल्फ और उसमें क्या होता है आप अगर गोल्फ का एक बॉल को एक होल में डालो, आप उस अगर होल में डाल लेते हो तो आपको $10,000 जीतने को मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लेक के ऊपर जो सरफेस के ऊपर है एयर बहुत है, लोगों ने जीता भी ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सरफेस के ऊपर एयर है तो उसके कारण बहुत कम होता है कि बॉल जो है उस होल के अंदर जाती है। अगर वो ओपन हुआ तो आई विल शो यू। ये जितने भी इस तरफ के होटल्स और मोटल्स हैं वो सारे के सारे लेक फेसिंग है एंड व्यू बहुत प्यारा होता है ऑन अ रियली क्लियर डे। लोग पैरासेलिंग कर रहे होते हैं, जेट स्की कर रहे होते हैं, किसी के अपने हाउसेस भी हैं इस तरफ खुद के पर वो थोड़े पीछे निकल गए हैं। बट यहाँ पर ये जितने भी होटल्स हैं सबके व्यू बहुत प्यारा आता है, हर रूम से कोई ना कोई तरह का व्यू मिल जाएगा। के बुद्धू घर को आए, फाइनली होम स्वाइन होम वी आर।